नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो आप सोचेंगे आज मैं पर्स लेकर कहाँ जा रही हूँ। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है, क्या आप वर्किंग वुमेन हैं? अगर हैं तो आपके भी, अभी तो खैर लॉकडाउन है लेकिन खुले हुए हैं कई जगह, ऐसे ऑफिस वगैरह खुले हुए हैं जहाँ जाना पड़ता है, तो आपके साथ भी ये होता होगा कि भागम भाग मच रही है सुबह से। कभी कहीं हम किचन में काम कर रहे हैं, कभी नहा रहे हैं, कभी सब्जी काट रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। और कई औरतों से मैंने पूछा भी है कि उनके साथ बहुत दिक्कत होती है जब वो काम पे जाती है। तो आज इन्हीं समस्याओं का थोड़ा सा हल करके बता रही हूँ मैं आपको। तो मेरी बहनों, साथियों, मैंने भी कभी सर्विस की हुई है, प्राइवेट, गवर्नमेंट सर्विस तो नहीं की मैंने, लेकिन प्राइवेट सर्विस की हुई है बच्चों के साथ। तो लगातार कई बार 2 साल भी की, कई बार साल भर भी की, क्योंकि छोटे बच्चे थे और कोई रखने वाला नहीं था, तो मुझे छोड़नी पड़ी सर्विस। तो जिन दिनों मैं सर्विस की मैंने, तो मुझे कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि मेरे काम नियमित रहते थे हमेशा ही। तो मैं ये कहूँगी कि आपकी सुबह कैसे शुरू होती है। तो सुबह जो भी वर्किंग वूमेन है, मैं तो होम मतलब हाउसवाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ, फिर भी मैं जल्दी उठती हूँ, तो मेरे तो नियमित काम जो हैं वो हो जाते हैं बहुत जल्दी। और वैसे भी अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो फिर ये करिए कि बस जल्दी उठिए। जल्दी आप उठेंगी, सबसे पहले भगवान का ले, भगवान को हाथ जोड़े और शुक्रिया करें भगवान का कि हम आज जो कुछ भी हैं भगवान की वजह से हैं और आगे भी भगवान की वजह से ही रहेंगे। तो उठते ही मैं तो सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ती हूँ। तो उठते ही सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ें और उसके बाद आपका कोई काम शुरू करें। सबसे पहले तो कहूँगी कि अगर वर्किंग वुमेन हैं तो रात को ही ऐसे कुछ काम करके रख दें जो आपको सुबह बहुत जरूरी हो, जैसे सब्जी काटना है। कई लोग आटा गूंधे हुए कि नहीं खाते रोटी, तो रात को नहीं गूंध सकते। अगर आप लोग खाते हैं रात के आटे की, तो आटा गूंध के भी रख सकते हैं सुबह के लिए, नाश्ता बनाने के लिए या टिफिन बनाने के लिए, या वैसे कोई टाइम नहीं लगता है ना, आटा गूंधने में 10 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप लोग खाती हैं तो आटा गूंध के रखते हैं और सब्जी काट के रखते हैं, टिफिन वगैरह बिल्कुल मांझ के रखते हैं रात को ही, चाहे आपके बच्चे स्कूल जाते हों, चाहे आपके हस्बैंड जाते हों, चाहे आप जाते हों, वर्किंग वुमेन को खाना भी लेकर जाना पड़ता है, तो टिफिन वगैरह रात को ही बस मांझ कर धोकर और उल्टे रखते हैं रसोई में, जिससे उनमें कोई भी कीड़ा वीड़ा नहीं घूमे या फिर वो सूख जाए सुबह तक बिल्कुल। तो मैं तो यही करती थी कि जैसे ही मैं स्कूल से आती थी, मैं स्कूल में काम किया करती थी, तो मैं 3 बच्चों को अपने साथ में ही ले जाती थी। पहले मेरी 2 बच्चियां थी, प्राची शिप्रा, तो जब उनको मैंने स्कूल में करवाया तो मैं स्कूल उनके साथ ही चली गई, क्योंकि मेरी छोटी बेटी रोती बहुत थी, तो वहाँ के जो सर थे उनको टीचर की भी जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद ही आ जाइए, आप पढ़ी लिखी हैं क्या, मेरे से पूछा, तो मैंने कहा हाँ मैं बीए पास हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप खुद ही आ जाइए यहाँ पर, आपकी बच्ची भी संभल जाएगी और मुझे भी टीचर की जरूरत है, तो आप आ जाइए। तो मैं जाने लगी स्कूल अपनी दोनों बेटियों को ले जाकर, जाने लगी। फिर ऐसा हुआ कि क्षितिज मेरे पेट में था उस टाइम, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, तो वो क्षितिज पेट में था, तो क्षितिज 4-5 महीने का था, लेकिन पता नहीं लगता था मेरे किसी को कि मेरे क्षितिज है पेट में, मतलब बच्चा है, ऐसा मालूम नहीं चलता था। तो 4-5 महीने थे मेरे, और उसके बाद मैंने सर से बोला कि मैं छोड़ना चाहती हूँ सर्विस पे, क्योंकि मेरी ये समस्या है। तो बोले अरे आपके तो ऐसा लगता ही नहीं, तो उन्होंने मुझे
दे दी छुट्टी, मतलब मैंने वहां की सर्विस छोड़ दी। तो मेरे बच्चों ने वहां स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि वो उस स्कूल में टिके ही नहीं फिर दोनों। तो फिर बाद में दूसरे स्कूल में मैंने करवाया, पांच बिल्कुल पास में ही 5वीं तक का एक स्कूल खुला, वहां पर करवा दिया था मैंने। वहां जाने लगी थी, बड़े प्यार से उनके साथ रखते थे, तो कहाँ से कहाँ बात आ गई। तो जब मैं जाती थी स्कूल तो मैं क्या करती थी कि रात को ही सब्जी काट के रख देती थी और अपने जो टिफिन विफिन है सब मांझ के रखती थी, और सुबह जल्दी उठ जाती। और उठते ही पहले तो मैं एक बार झाड़ू लगा लेती थी, सारे घर में झाड़ू पोछा सब लगा के। 7:30 का स्कूल था और 7 बजे तक मैं अपना सारा काम निपटा के जाती थी। तो इस बीच में मैं सफाई कर लेती थी, और फिर हमारे यहाँ तो नहाकर खाना बनता है तो नहाकर ही खाना बनाती थी। तो अगर आप नहाते नहीं हैं, नहाए बिना आपके यहाँ खाना बनता है तो आप बना सकते हैं। खाना पहले बना लें आप, खाना टिफिन जो भी आपको बनाना है। तो मैं बस खाना बना लेती थी, और मैं तो इतना पूरा मतलब खाना बना के जाती थी कि दाल चावल सब्जी रोटी सभी बना के जाती थी। और आकर फिर हम लोग दाल चावल वगैरह खा लेते थे, और सुबह जो मुझे पराठे वगैरह स्कूल में ले जाने थे वो बना देती थी। तो नहा के बनाती थी, तो नहाने के साथ ही मैं कपड़े धो लेती थी, तो कपड़ों का एक काम निपट जाता था, नहाने के साथ कपड़ों का काम निपट जाता था। उसके बाद मैं खाना बना लेती थी, तो खाने में मेरे सब्जी जो कभी मैं चने वने भी बना लेती थी, तो चने मैं रात को भिगो के और दिन में भिगो देती थी, पहले दिन भिगो के और रात को उबाल के रख देती थी, और सुबह सूखी सब्जी बना के और फटाफट टिफिन में जो भी डालना होता। मेरे हस्बैंड तो और भी जल्दी जाया करते थे, वो 5 बजे चले जाते थे, तो मैं फिर और ही जल्दी उठती थी। मैं 4:30 उठ जाती थी और उनका टिफिन बना के दे देती, और साथ में ही हमारा टिफिन और हमारा आकर खाने तक का जो खाना होता था वो तक मैं बना के जाती थी। तो मुझे कोई परेशानी होती थी, आकर मैं सिर्फ बस एक एक बर्तन तक मैं मांझ के जाती थी। जब जाती स्कूल तो बर्तन भी सारे मांझ जाती थी जिसमें मैं खाना बनाती थी, तो वो सारे मांझ कर जाती थी, परात है चकले बेलन वो सब मांझ के जाती थी। और फिर आके बस हमको खाना खाना होता था, फिर चाहे मैं आकर बर्तन साफ करूं या ना करूं, एक बार मैं रेस्ट कर लेती थी। लेकिन मेरी आदत था कि मैं हाथों हाथ बर्तन साफ कर देती हूं, तो मैं आकर बर्तन साफ भी कर लेती थी, बच्चों को खाना खिला देती थी। और एक हमारे सीरियल आया करता था, 3 बजे में आया करती थी, तो 3, 2:30, 3 में हम आते थे स्कूल से, बच्चे भी और मैं भी। तो वो सीरियल हम जरूर देखते थे क्योंकि वो 3 बजे आना होता था, तो हम फटाफट खाना खा लेते थे और आधे घंटे का वो सीरियल देख के, और फिर हम लोग बच्चे तो सो जाते थे और मैं बर्तन साफ करके सोती थी, या नहीं भी करती थी तो मैं भी सो जाती थी। और फिर 5 बजे मेरे एक ट्यूशन और आती थी मेरे, जो मैं एक लड़की को पढ़ाया करती थी, तो वो आने वाली होती थी ट्यूशन के लिए, तो मैं फिर उस पढ़ाई को और करती थी, जो गणित पढ़ती थी वो मेरे से। तो मैं बच्चों को सुला के और फिर मैं गणित का खुद सवाल सॉल्व करती और फिर उस लड़की को पढ़ाया करती थी। तो उस समय मुझे 250-300 तो स्कूल से मिलते थे, बहुत हुआ करते थे वो, और जो वो लड़की पढ़ने आती उसके 150 और मिलते थे। तो ऐसे करके 300-400 रुपए मेरे इकट्ठे हो जाते थे, और मैं उन पैसों में से कुछ बचत कर लेती थी और कुछ घर में लगा देती थी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सुबह आप अगर जल्दी उठ जाती हैं तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। आप थोड़ा सा उठ के चाहे बाहर हवा भी खा लें, चाहे आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, सब हो जाएं, तो 10-15 मिनट आप अपने आप को दें उठ के। जल्दी अगर उठती हैं तो 15 मिनट आपको अपने आप को दे दें आप, और उसके बाद आप अपने घर के काम कर लें और फिर आप अपने वर्क में जाएं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा काम हो जाएगा यदि आप 4:30 या 4 बजे उठ जाती हैं। तो रात को आप हल्का फुल्का खाना खाकर सोए, जिससे आपको सुबह नींद आराम से खुल जाए आपकी, तो आपका डेली का रूटीन हो जाएगा जल्दी उठने का, और आप अपना सारा काम करके चले जाएंगे। एक हमारी जानने पहचानने वाली है, उनके भागम भाग मची रहती है, कारण कारण यही बोलती है मैं तो 6 बजे उठती हूँ, 7 बजे मुझे जाना। तो मेरी भाभी है, उन्होंने भी सर्विस की, बहुत साल सर्विस की, 3 बच्चियां थी उनकी, लड़की लड़कियां
हैं उनके, और वो भी सर्विस करती थी और खाना वगैरह वो 4 बजे उठ के और सारा खाना बना के जाती थी, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी हमारे यहाँ खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बना के जाती थी बच्चों के लिए भी, और उनका नाश्ता भी बना के जाती थी, तो वही उठकर बनाकर जाती थी वो लोग, वो भाभी भी हमारी खाना। तो बहुत साल सर्विस की उनकी, गवर्नमेंट सर्विस थी। तो अब थोड़े साल पहले वो रिटायर हुई हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जल्दी उठें और जल्दी उठकर आप और कुछ काम आप रात को निपटा दें सारे, जैसे रात को कोई बर्तन वगैरह ना छोड़ें किचन में, और कपड़े वगैरह भी हैं आपके तो एक रात पहले ही आप उनको तह करके रख दें, प्रेस भी कर लें आप, जो दूसरे दिन आप जाएं स्कूल या जहाँ भी वर्किंग में अपने वर्क करने, तो अपने कपड़ों को प्रेस करके रखें, अपना पर्स वर्स सब साथ में रखें। हमारे बहुत पहले जानने पहचानने वाली थी, बहुत पहले की बात है, जब मैं कुंवारी थी तब की बात है, तो एक आंटी आया करती थी जो सर्विस करती थी, उनके हस्बैंड भी सर्विस करते थे, तो वो बोलती कि है ना मैं तो रात को ही दूसरे दिन जाने के साड़ी वगैरह सब प्रेस करके रख देती हूँ, उसके साथ कौन सा पर्स मुझे ले जाना है, कौन सा ब्लाउज पहनना है या कौन सी साड़ी पहननी है, वो सब तय करके और रात को टेबल में रख देती हूँ, और फिर सुबह पहनकर जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे फिर सुबह अपनी अलमारी से ढूंढने या निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे इस रात को आप सेट कर लें कि आपको सुबह क्या पहनना है और क्या पहन कर जाना है और क्या क्या आपको ले जाना है, तो आप अपना सुबह आराम से नहा कर आप वो ही पेटीकोट ब्लाउज पहन लें जो साड़ी आपको पहनकर जानी है, तो आपको डबल बार दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही करती थी जब स्कूल जाया करती थी, तो नहा कर वो ही पेटीकोट ब्लाउज पहन लेती और साड़ी मैं घर की पहन लेती थी, जिससे कोई भी गंदी ना हो साड़ी काम वाम करने में, तो अपना सारा काम करके और फिर फटाफट साड़ी बदली और बस चले जाते थे। या फिर गर्मी है तो गर्मी में तो खैर ब्लाउज वगैरह पसीने से हो जाते हैं तो बदलने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं चलता, लेकिन हाँ सर्दियों में तो आप पहन सकते हैं वही ब्लाउज और पेटीकोट पहन लें, जिससे आपको ऊपर केवल साड़ी बदलनी पड़े। तो मैं भी यही करती थी कि अपने फिर उसके बाद मेरा बेटा हो गया, उसके बाद भी मैंने 2 साल सर्विस की थी, तो तीनों बच्चों को मैं स्कूल ले जाती थी साथ में, और अपने 3 या 4 टिफिन होते थे, क्योंकि अलग 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 क्लासों में थे, तो वैसे तो वो मेरे पास आ जाया करते थे, पर उनके टिफिन मैं अलग अलग कर देती थी, एक से टिफिन उन्होंने खरीद रखे थे, कलर हमने अलग अलग कर रखे थे, मैंने एक का लाल था ध्यान है मुझे, एक का पीला था टिफिन, एक का नीला था, ऐसे टिफिन थे, तो तीनों के अलग अलग टिफिन दे देती, वो तीनों बैठ के मेरे पास ही आ जाते थे और तीनों बच्चे खा लेते थे जब वो टाइम होता था रेसेस का बोलते हैं उस टाइम, लंच टाइम बच्चे तीनों मेरे पास आ जाते और तीनों अपना अपना टिफिन खोल के खा लेते, और फिर वो घर आके मैं सारे टिफिन धो देती थी, और उसी वक्त उनको धो के आते ही बस कर लेते, बस इतना है कि आप आलस ना करें बिल्कुल भी, आलस करते ही गए काम से, तो आलस बिल्कुल नहीं करना है, स्कूल से या जहां से भी आप आती हैं वहां से आके अपना टिफिन धो लें और अपना काम फटाफट करके और फिर रखें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फिर दोबारा कहूंगी कि जल्दी उठिए, और जल्दी उठकर बहुत से काम हो जाते हैं और आप बिल्कुल एक्टिव भी रहती हैं, और सबसे पहले तो भगवान को हाथ जोड़ने, उठकर पूजा वूजा भी करनी होती है तो थोड़ा सा अगरबत्ती भी करके जाएं भगवान को, और आकर भी शाम को करें आप अगरबत्ती भगवान को, तो बस सोच को पॉजिटिव रखें आप, तो आपके हर काम आराम से होंगे। तो मैं कहूँगी कि आपकी दिन की शुरुआत जल्दी उठकर होनी चाहिए और भगवान के नाम से होनी चाहिए, आपके सब काम आसानी से हो जाएंगे।